देखिए, परिणाम तो अभी से तय है। हम सब ये मान के चल रहे हैं कि आज के समय जमीनी स्तर पे जो सहानुभूति जनता की कमलनाथ जी के साथ है, हमें पूरा विश्वास है उपचुनाव जब भी हो, भाजपा तो प्रयास कर रही है विलंब करने की, लेकिन हम ये बात जानते हैं जमीनी स्तर पे कि मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के साथ 100% है और कांग्रेस के ही विधायक जीत के आएंगे। देखिए, भाजपा तो खुद परेशान है। आप सोचिए, 3 दिन का प्रोग्राम ग्वालियर में था, नरोत्तम मिश्रा जी कहाँ थे? इतने वरिष्ठ नेता हैं ग्वालियर चंबल के, वो खुद ही मंच पे मौजूद नहीं थे। यशोधर राजे सिंधिया जी, इतनी वरिष्ठ नेता भाजपा की हैं, मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, वो क्यों नहीं थी ग्वालियर में? कहीं ना कहीं भाजपा में ही इतनी जोर से गुटबाजी चल रही है। पवैया जी का तो ट्वीट आप सबने पढ़ी लिया होगा सांप के बारे में, तो लगभग मेरा तो उत्तर भाजपा के लोग ही दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई उस पार्टी के साथ गद्दारी करे या उस पार्टी को छोड़े जिसने उसको टिकट दिया, जिसने विधायक या मंत्री बनाया, तो गद्दारी तो होगा और क्या होगा। कल हम ग्वालियर चंबल संभाग का हमारा दौरा था, हम ग्वालियर में प्रोग्राम था, लगभग 90,000 कार्यकर्ता कल ग्वालियर में कांग्रेस के हमारे साथ थे, जबकि भाजपा तो 70,000 3 दिन में। हमने तो 1 दिन में साबित कर लिया कि 90,000 लोग कांग्रेस के साथ जब हम चाहे खड़े हैं। हम तो यही लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि 27 ही सीटों पे हमको जीतना है।